वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे लेकर उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन 68वें दिन में प्रवेश कर चुका है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इन सब के बीच बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने मंच से कहा है कि सरकार सारी मांगें मान लेगी तो किसानों की जीत हो जाएगी। इसके बाद यहां से किसान 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ अमृतसर जाएंगे और पंजाब की धरती के दर्शन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश कर चुकी हैं। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इसे मुश्किल हालातों में तैयार किया गया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, गरीबों के हाथों में नकदी भूल ही जाइए, मोदी सरकार ने देश की संपत्ति भी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की योजना बनाई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। सोमवार दोपहर मक्खू के नज़दीक गिंदवंडी पुल पर ट्राले और कैंटर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में कैंटर में सवार दो सगे भाइयों समेत 6 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 12 मजदूर गंभीर जख्मी हो गए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी बेटी की पहली तस्वीर साझा कर दी है, साथ ही नाम का खुलासा भी कर दिया है। अनुष्का ने एक लंबी पोस्ट लिखकर फैंस को शुक्रिया कहा और साथ ही अपनी बेटी का नाम भी बताया है। स्टार कपल ने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है। अनुष्का शर्मा ने बेटी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीर में विराट और अनुष्का अपनी बेटी को निहारते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के लाल किले में 26 जनवरी को हुई घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने पंजाब के लखा सिधाना को नामजद किया है। गांव सिधाना की पंचायत और ग्रामीणों ने रविवार को एक प्रस्ताव डाला। इस प्रस्ताव में पंचायत एवं ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि वह लखा के साथ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का प्रधान निदेशक और सिक्योरिटी फील्ड इंस्पेक्टर बनकर नौकरी लगवाने का झांसा देने और 1 लाख रुपये ठगने की कोशिश करने वाले दो छात्रों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी हिसार के सेक्टर 14 निवासी आरोपी राम मेहर और हिसार निवासी परवीन के कब्जे से फर्जी पहचान पत्र, बुलेरो गाड़ी जिस पर गाड़ी पर भारत सरकार लिखा हुआ है, के अलावा पुलिस की वर्दी बरामद की गई है। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश को 2 ट्रेनों का तोहफा दिया गया है। इसमें से एक गोमती नगर यानी लखनऊ से जयपुर के बीच सप्ताह में 3 दिन चलेगी जिसका संचालन 5 फरवरी से शुरू होगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले इस कड़ाके की सर्दी में सियासी पारा चढ़ गया है। AIADMK से निष्कासित नेता VK शशिकला को रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जयललिता के करीबी नेता शशिकला कोरोना संक्रमण को मात देकर अस्पताल से AIADMK के झंडे वाली गाड़ी में बैठकर अपने यहां लौटी। शशिकला को कोरोना संक्रमित होने के बाद 21 जनवरी को बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।